Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey. Students, real analysis ka काफ़ी chapters हम कर चुके हैं, जिसमें last जो chapter हमने किया था वो था sequences. काफ़ी theorems और numericals मैंने उसके आपको करवा दिए हैं. Last video में हमने CSIR net में जो questions sequences के कुछ मैंने questions आपको कराए थे. तो क्योंकि last video भी हम बिना board के ही मैंने शूट किया था, तो आज का वीडियो भी इसी तरीके से हम कंटिन्यू कुछ वीडियोस करेंगे, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन की कंडीशन है. तो आप घर पर रहें, सेफ रहें, और इन ऑनलाइन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं और इनसे अपने आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें. तो इसी सीक्वेंस में जो रियल एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो जो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो है इनफाइनाइट सीरीज़. आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इनफाइनाइट सीरीज़. ये मान के चलिए कि रियल एनालिसिस में जो भी पेपर जिस भी यूनिवर्सिटी का आप उठा के ले लीजिए, इनफाइनाइट सीरीज से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस को लेकर के, तो क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस ही एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, तो एकेडमिक्स में क्लास ट्वेल्थ के लेक्चर्स भी इनके साथ कंटिन्यू मैं पैरेलली चलाना शुरू करने वाला हूँ. तो आप उन वीडियोस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज़. देखिए, सीरीज़ क्या होता है. सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज़ को समझने से पहले आपको सीक्वेंसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जो भी नया है चैनल पे वो वीडियोस को देख सकता है. तो सीरीज़ अगर हम देखें तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन एंड सो ऑन, इन विच एवरी टर्म इज़ फॉलोड बाय अनदर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ इज़ कॉल्ड अ सीरीज़. सीरीज़ का सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ, तो आपने क्लास टेंथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा एक डेफिनेट रूल होता था, जैसे ए प्लस थ्री या फाइव प्लस थ्री एन. फाइव प्लस थ्री एन में क्या है, एन की वैल्यूज़ अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सारे टर्म्स मिलते रहेंगे. तो ये क्या है, एक सीरीज़ है. और इन सीरीज़ को सीरीज़ सीक्वेंस में और सीरीज़ में ये डिफरेंस है. सीक्वेंस में जो हम टर्म्स लिखते थे, जो टर्म्स होते हैं वो कॉमा के फॉर्म में होते हैं, हालांकि हमने वहाँ सम भी उनका निकाला था, लिमिट भी निकाली थी, लेकिन जनरली डिफरेंस ये कह सकते हैं हम. यहाँ पे सीरीज़ में क्या होगा, हर एक टर्म एडिशन के फॉर्म में आएगा यहाँ पे सीरीज़ में. तो इसके जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आप इस पर्टिकुलर लॉ से निकाल सकते हो. ये एक सीरीज़ हो गई. ऐसे आप ए एन इक्वल टू टू माइनस एन कर सकते हैं, कुछ भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बना सकते हैं. तो ये एक सीरीज़ फॉर्म हो जाएगी. अगर उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट सीरीज़ हो गई, और अगर उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ हो जाएगी. तो इनफाइनाइट सीरीज़ और फाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, एक फॉर्मूले से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यू आर, आर की वैल्यू वन तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, समेशन का मतलब है प्लस होगा, तो ये यू वन होगा, फिर यू टू होगा, यू थ्री होगा. क्योंकि फाइनाइट सीरीज़ है तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे. तो आर की वैल्यू वन से लेकर के कहाँ तक होगी, एन तक. ये फाइनाइट सीरीज़ हो गई. और इनफाइनाइट सीरीज़ में क्या होगा, अभी भी एडिशन में टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म आएगा, सेकंड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा, लेकिन ये सीरीज़ जो है यू एन, लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट. बस यही कॉमन सा डिफरेंस है जो आपको पता भी होगा. तो सीरीज़ क्या है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो ऑन यू एन, इन विच एवरी टर्म इज़ फॉलोड बाय अनदर अकॉर्डिंग टू सम रूल. एक डेफिनेट रूल होगा या एक डेफिनेट लॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सीरीज़ जो है वो चल रही होगी. अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइनाइट हैं तो फाइनाइट सीरीज़, और अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इनफाइनाइट हैं तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ होएगी. बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज़. कन्वर्जेंट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट टर्म, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में भी आपको बताया हुआ था, तो ये काफ़ी डिटेल में वहाँ आपको बता चुका हूँ. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है. कन्वर्जेंट सीरीज़ में क्या होगा, किसी भी सीरीज़ में अगर आप सम निकाल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर जो है हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम फाइनाइट सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं. हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस करेंगे, जो थ्योरम्स करेंगे, वो सिर्फ
इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ही होगी। तो अगर कोई सीरीज़ आपने ली है इनफाइनाइट सीरीज़, वो कन्वर्जेंट कब होगी? जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जो एन टर्म्स का सम है उसमें एन की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे, अगर हम जो एस एन हमको दिया है, एस एन का मतलब क्या है, जो ये एक्सप्रेशन है इसका हमने सम निकाला, लेकिन वो सम कहाँ टेंड होना चाहिए इन्फिनिटी, यानी कि इन्फाइनाइट टर्म्स का सम अगर हम निकाल रहे हैं और वो सम निकालने के बाद वो सम एक डेफिनेट वैल्यू अगर आ रही है, अगर ये इन्फाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो सीरीज़ क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर वो जो सीरीज़ आपको दी है वो सीरीज़ का सम या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अगर आ रहा है, तो उस केस में उस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि कोई भी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट नहीं है और उसका सम आपने निकाला कि वो इन्फिनिटी और या माइनस इन्फिनिटी से कुछ दोनों में से एक आ रहा है, तो उस केस में उस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीरीज़। तो कन्वर्जेंट सीरीज़ में क्या होगा कि जो टर्म्स हैं सीरीज़ के, अगर उसमें एन टर्म्स का सम निकालें, सबसे पहले हम एन टर्म्स का सम निकालने के बाद एन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करें, तो इन्फिनिटी की ओर टेंड करने पे जो सम है वो अगर फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो उस सीरीज़ को कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरे टाइप की सीरीज़ है ऑसिलेटरी सीरीज़। ऑसिलेटरी सीरीज़ में क्या होगा, वो जो हम सीरीज़ हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो टाइप की सीरीज़ पढ़ी। कन्वर्जेंट में क्या था कि सम जो है फाइनाइट आ रहा था, और डाइवर्जेंट में क्या था, वो सम प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा था। अगर मैं बात करूँ एक एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास एक सीरीज़ है 2 -2 +2 -2 एंड सो ऑन। आप याद करो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में भी किया था, वहाँ पे हम -2 की पावर n लिया था इसको, और इसको हम कैसे लिखते थे? -2 2 -2 2 इस तरीके से लिखते थे। तो ये सीक्वेंस में यहाँ जो टर्म्स हैं वो इस तरीके से लिखे जाते थे, और यहाँ वो सीरीज़ बन गई तो वहाँ एडिशन के टर्म्स में लिखा जाएगा, बस ये डिफरेंस है। अब इसमें आप देखिए, इसका अगर हम सम निकालें, एसएन निकालें, तो इसके दो आंसर आएंगे। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो उस केस में सारे के सारे 2 और +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। और अगर हम एन को ऑड लेते हैं तो होगा क्या, ये टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक 2 लास्ट में बच जाएगा, तो इसके दो आंसर आ रहे हैं। आप देखिए, तो इस तरीके की सीरीज़ जिसमें आंसर पर्टिकुलर एक आंसर ना आकर के ऑसिलेट अगर आंसर होता है, तो उस केस में उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सीरीज़। अ सीरीज़ समेशन यू एन इज सेट टू बी एन ऑसिलेटरी सीरीज़ इफ़ एस एन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स नीदर टेंड्स टू अ डेफिनेट वैल्यू। एक डेफिनेट वैल्यू हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 0 आ रही है, एक 2 आ रही है। एक ना तो इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, और ना ही ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, तो इस केस में इस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी सीरीज़। तो कितने तरीके की सीरीज़ हमने पढ़ी? कन्वर्जेंट जिसमें सम फाइनाइट आएगा, डाइवर्जेंट जिसमें सम या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, तीसरी ऑसिलेटरी, इसमें कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ऑसिलेट वैल्यू होगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीरीज़। तो बात करी हमने आज, सीरीज़ पढ़ा, कन्वर्जेंट सीरीज़, डाइवर्जेंट सीरीज़ और ऑसिलेटरी सीरीज़। इन्फाइनाइट सीरीज़ ही हम पढ़ने जा रहे हैं, तो दो न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल्स का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको और कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि सीरीज़ में एक्चुअल में हम करने क्या जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द सीरीज़ समेशन 1/4 n कन्वर्जेस 2 1/3। इसका मतलब यह है कि ये जो सीरीज़ हमको दी है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है इसका मतलब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और वो फाइनाइट वैल्यू क्या होगी? 1/3। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ एस एन की, पहले वाले क्वेश्चन में एस एन क्या है, जो समीशन है वो है 1/4 n, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/4 + 1/4² + 1/4³ इस तरीके से आ रहा है, एंड सो ऑन। अब इसमें अगर आप देखिए तो ये सीरीज़ कैसे सीरीज़ बन रही है, 1/4 a + a² a³ इस तरीके से आप कह सकते हो। तो ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है? फॉर्मूला a
ये देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है ये अभी फ़िलहाल हम एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम एन टर्म्स के सम के बाद हम क्या करेंगे, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो वन माइनस आर की बात करें तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, और 1/4 की पावर कितनी हो गई, एन अपॉन ए माइनस आर, आर कितना हो गया, 1/4। ध्यान से देखिए ये जो एस एन हमने निकाला, ये एस एन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बन रहा था, और एक ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। पहले हम एन टर्म्स का सम निकालेंगे, तो एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1/3, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 की पावर एन। अब ये तो अभी फ़िलहाल हमने एन टर्म्स का सम निकाला, तो क्योंकि कन्वर्जेंट अगर हमको प्रूव करना है तो हमने एन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करनी है, और एन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करने के बाद अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्जेंट होगा। अगर कोई ऑसिलेटरी वैल्यू आ रही तो उस केस में ऑसिलेटरी सीरीज़ होगी। अब इसमें अगर हम इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं तो 4 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये कितना आ गया, 1/3। तो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, और फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब देयर फोर द सीक्वेंस, सीक्वेंस भी कह सकते हैं इसको, हम इस तरीके से लिखेंगे फिर, एस एन कन्वर्जेस टू 1/3। अगर ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में से कोई वैल्यू आ रही होती तो उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट। तो ये एस एन वाला जो सीक्वेंस है ये 1/3 की ओर कन्वर्जेंट हो रहा है, इसका मतलब हैंस जो आपको यू एन वाला सीक्वेंस दिया हुआ था, ये इतने में भी आप छोड़ सकते हैं, यू एन एस कन्वर्जेस टू 1/3। ये तो बात होगी पहले क्वेश्चन की। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज log 2, log 3/2, log 4/3, log 5/4। इस सीरीज का कन्वर्जेंट कन्वर्जेंस हमको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एस एन निकालते हैं पहले, एस एन क्या हो जाएगा, log e base 2, log e base 3/2, log e base 4/3 एंड सो ऑन। लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो ये सारे टर्म्स एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 2 × 3/2 × 4/3 एंड सो ऑन। ऐसे अगर इसका nth टर्म की बात करें तो nth टर्म क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा log n+1 अपॉन n। तो लास्ट टर्म आएगा इसका n+1 अपॉन n। तो देखिए आप इसमें ये टर्म्स सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐसे ये भी कैंसिल हो रहा है, तो हर एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ये एन वाला जो है इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा, इट मीन्स इसमें सिर्फ एक टर्म आ रहा है n+1, अब बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। फिर से उसी तरीके से हमको करना है, अब क्या करेंगे हम, एन टर्म्स का सम निकालने के बाद एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी log n+1। लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर सम इन्फिनिटी आता है तो वो सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो देयरफोर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने इन्फाइनाइट सीरीज़ के बारे में बेसिक कंसेप्ट देखा, कितने टाइप्स की सीरीज़ होती हैं उन सीरीज़ को देखा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ मैंने आपको बताया कि कैसे हम चेक करें, दो न्यूमेरिकल भी आपको कराएं कि अगर समेशन जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट, अगर इन प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में से कोई एक वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे, बट आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक क्वेश्चन जो है थ्योरम पे बेस्ड होगा, हर एक रूल पे बेस्ड होगा, तो वो क्वेश्चन जो है जल्दी मैं लेकर के आऊँगा।